किसी जगह की बंद ही करता है। तो बाकी पहले मैं बता देता हूँ यहाँ करूँगा कि जो जो भी आप लोगों में से और जिस तरह यही है पुलिस और आवाम वो काम अंजाम देते हैं क्योंकि डिपार्टमेंट है। मैं वो सुख से कह रहा हूँ तो उसने मेरे को मैसेज कर दिया है कि मेरी माँ बीमार पड़ी है, वो हस्पताल। जो ही मैं अंदर दरवाजे के अंदर ही चला गया उसी टाइम कहूँगा कि म्यूनसिपलिटी जो हमारी सुंबल म्यूनसिपलिटी है अच्छा एक रबता रहे तालमेल रहे तो इस रिलेटेड प्रोग्राम जो सरकार ने नए सिरे से ये चीज अनाउंस किया कि डिपार्टमेंट में चाहे हमारा त्योहार होते थे उसमें भी खड़ा होते हैं चाहे कोई हम एक्शन कर सकते हैं या आपकी या सर की वसादत से ऑलरेडी हमने उन दिनों में रखी बट पुलिस के इतने मुख्तलिफ अलग अलग काम होते हैं कि उसके बाद हम किसी और चीज में बिजी हो गए। आप कहाँ से आज जो थाना दिवस यहाँ पे हुआ ये कंटिन्यू हफ्ते में एक बार हो रहा है यहाँ पे कंटिन्यू पिछले 4-5 महीने से कंटिन्यू प्रोग्राम यहाँ पे चला तो आज भी ये थाना दिवस यहाँ पे मनाया गया जिसमें अच्छा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया खासकर इसमें टेररिस्ट फेडरेशन भी आई थी ट्रांसपोर्ट वाले भी आए थे आम पब्लिक जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उनने भी इसमें शिरकत की आम सिविल उनने भी इसमें शिरकत की। ये सबसे अच्छी बात है कि पुलिस और पब्लिक के बीच अच्छा एक रिलेशन रहे और एक रिश्ता रहे क्यों इसमें बहुत सारी ऐसी बातें भी उठी है कि जो ड्रग एक वबा यहाँ पे चल रहा है पुलिस की यही बात हमेशा रहती है कि हमें इन्फॉर्मेशन अगर कहीं से भी मिलेगी तो हम उन ड्रग वालों को पकड़ के जेल में डालेंगे। तो ये बात यहाँ पे रही है कि हमें ये चीज़ जहन में रखना चाहिए कि हमें पुलिस का सपोर्ट करना चाहिए तब जाके जो यहाँ पे जो क्राइम होगा तब जाके वो क्राइम ख़त्म होगा। देखिए आज भी हमने जब मुझे टाइम मिला वहाँ बोलने का मैंने भी ये बात रखी है कि थाने में चाहे कोई भी बड़ा हो या छोटा हो हर एक को अपना दर्जा मिलना चाहिए हर एक को वही वकार मिलना चाहिए जो एक बड़े को मिलना चाहिए और इसमें खासकर हमारे जो SDPO साहब है ये तो पहले से पिछले 1.5 साल से ये चीज कहता रहा कंटिन्यू कि थाने के दरवाजे हमेशा हर एक के लिए खुले रहेंगे चाहे गरीब हो या अमीर हो हर एक के लिए जो पुलिस का यहाँ जो रोल है ये हर एक के लिए एक ही तरह रहेगा जैसे अगर कोई बड़ा हो या गरीब हो। और इसमें मुझे सबसे ज्यादा अगर एक चीज ये लग रहा है कि जो हमारे SDPO साहब है ये चाहता भी है कि अगर कोई गरीब जिसका कोई सुनने वाला नहीं वो यहाँ पे आए सबसे पहले उसी गरीब का काम होगा जिसका कोई सुनने वाला नहीं हो।